तो व्हाट्सअप माय ब्यूटी फैमिली, वेलकम बैक टू मदर ब्लॉग। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो मैं सबको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, आप लोग सोच रहे हो कि मैं इतना खुश क्यों ना, वेट बताता हूँ। सो गाइस, R15 Version 2 का जो है टेल पैनल आ चुका है और इट्स बीन मोर देन 2 months सबसे अभी इस चीज़ का जो है वेट कर रहे हैं। और आप लोग को भी ये चीज़ को जान के खुशी होगी, जो अपना जो है टेल पैनल आ चुका है तो स्पर्ट से इसको जो इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली जो है पार्सल आ चुका है और आप देख सकते हो कितना अच्छी तरीके से इसका पूरा पैक हुआ है। आपको बताओ, आपको ये पूरा डिले क्यों हुआ? सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 तो मेहुल यादव बराबर लिखा है, पर यहाँ पे जो अंबिकापुर रेलवे स्टेशन लिखा है ना, यही पूरी फसाद की जड़ है। और मतलब अपने जो है रहते गुजरात में, और वो लोग से बहुत बड़ी भूल हो गई थी, वो लोग ने जो है अंबिकापुर भेज दिया था। उसके वजह से आपको और मेरे को दोनों को जो है वेट करना पड़ा 2 महीने का, और उसके बाद जो है अपने को ये टेल पैनल मिला। तो अभी जो इसको फट से अनबॉक्स करते हैं। सो गाइस, बड़ी अनबॉक्सिंग करने से पहले अपने जो है 2 छोटी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो गाइस, इसमें जो है U7 के जो HID फॉग लैम्प्स आते हैं ना, वो है। और आपको बता दो किस तरीके से पूरा दिख रही है। तो गैस, ये है U7 के HID फॉग लैम्प्स। एक चीज़ मैंने देखा है इसमें, जो इसका वायर बहुत ज़्यादा छोटा है लिटरली, और बहुत ज़्यादा पतला भी है। और उसी के साथ यहाँ पे जो आपको फ्री स्विच मिलता है, तो ये सेम 2 पैर है। और मैंने इसको जो है अमेज़ॉन से मंगाया। अगर आपको भी ऑर्डर करना है तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। मुझे बेस्ट डील लगी, क्योंकि इसके साथ जो है ऑन ऑफ स्विच भी है। तो एक बार जाके अमेज़ॉन में ज़रूर चेकआउट करो अगर आपको ये बाय करना है। तो ये जो है R15 Version 3 के लिए मैंने मंगाया, इसका भी जो है बहुत जल्द अपडेट आने वाला है। सो गाइस, लेट्स अनबॉक्स इट। तो फिर से वही कलर करने का झंझट मारी जैसे जो है अनपेंटेड मंगाया इसको भी जो अभी अनरैप कर लेते हैं। फाइनली गाइस, इसका इंतज़ार था, प्रोडक्ट अपने हाथ में। अभी ऐसा लग रहा है भाई, साल हो गए इसको ऑर्डर करके और अभी आया अपने हाथ में। बहुत ज़्यादा ही लंबी जर्नी इसने तय की, मैं राय थी फिर वापस गुजरात। ओके, अभी ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं दिया लोगों ने, देख सकते हो किस तरीके से पूरा दिख रहा है ये। और टोटली मतलब अनफिनिश, अभी भी इस पर पूरा घिसना पड़ेगा, पर जो भी एक टफ क्वालिटी है और अच्छा खासा वेट है इसका, और बहुत ज़्यादा प्यारा दिख रहा है, देख सकते हो पूरा ओवरऑल लुक। तो अभी चलो इसको बता दो किस तरीके से अपने जो इसको पूरा इंस्टॉल करेंगे अपनी बाइक में, तो आपको पूरा ओवरऑल लुक एक बार पास से दिखा देता हूँ मैं। सो गाइस, पूरा टेल देख लो किस तरीके से पूरा दिख रहा है अनबॉक्स करने के बाद। अभी जो अपने इसको जो है उस बाइक में इंस्टॉल करेंगे, आपको बता दो किस तरीके से लुक आ रहा है। और थोड़ी सी फिनिशिंग में प्रॉब्लम है, तो वो अपने को करना ही पड़ेगा, ऐसे ही पेंट करना है, तो मेरे ख्याल से इसलिए उन्होंने जो अच्छे से फिनिश करके नहीं दिया है। तो बाकी सब तो सही। और मैं भी आप लोग को एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप ऑर्डर कर रहे हो ना तो विदाउट पेंट ऑर्डर करो, क्योंकि क्या होएगा ना, आपके बाइक के कलर के साथ मैच नहीं होगा, जो स्क्रैचेस आने के थोड़े ज़्यादा डर रहते हैं। तो अभी इसको जो है अपने इंस्टॉल करते और बता दो किस तरीके से पूरी बाइक का लुक आ रहा है। और ये आखिरी पार्ट था जिसका अपने बहुत दिन से वेट कर रहे थे, तो इसके बाद जो है बाइक का काम बहुत फास्ट होने वाला है। सो गाइस, जल्दी से इसको इंस्टॉल करते हैं और आगे की वीडियो देखो। सो गाइस, चेकआउट द बाइक लुक विदाउट टेल पैनल, और अब बताओ किस तरीके से पूरी बाइक दिख रही है। अभी जो है पूरी बाइक का लाइनअप हो चुका है, मतलब सारे पार्ट्स जो अच्छे से लग चुके हैं। और अभी जो है थोड़े दिनों में जो है अपने इसको पेंट के लिए देंगे, कल जो है बाइक पेंट के लिए चली जाएगी। और थोड़े दिन तक जो है बाइक पे व्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक थोड़ा सा सरप्राइज फैक्टर रखना चाहता हूँ किस तरीके का जो है पेंट होने वाला है। तो अभी बिना बातचीत करके देर नहीं करते और लगाते सीधा टेल पैनल। तो फाइनली कैसे मैंने सीट वीट खोली, आपको ज़्यादा टाइम पास नहीं कराऊंगा मैं। तो ये है वो टेल, और अपने जो इसको इंस्टॉल करेंगे आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको इंस्टॉल करने का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, बस यहाँ से सब प्लेस करना है और इसको जो है जाने देने का अपने हिसाब से, कुछ इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इजीली जो है प्लेस हो जाएगा ये। देखा आपने कितना इजीली प्लेस हो गया, बस अपने को क्या करना है इसको जो है ये वाला हिस्सा जो इसको फैला के रखने का है। जितना अपने इसको स्ट्रेच करेंगे उतना इजीली चले जाएगा, और ये स्ट्रेचिंग मटेरियल तो डरने की जरूरत नहीं है, टूट जाएगा ऐसा कुछ नहीं। और पूरा जो है टेल लग चुका है, और सीधा फाइनल लुक किस तरीके से दिख रहा है। सो गाइस, देख सकते हो टेल लगाना कितना ज़्यादा आसान था, मेरे को मिनिमम 30 सेकंड्स लगे टेल पूरा इंस्टॉल करने में। और किस तरीके का लुक आ रहा है, पूरा सीट लगा देता हूँ फिर एक कंप्लीट लुक बता दो किस तरीके से जो है टेल लगाने के बाद जो है पूरा लुक आ रहा है।
सो फाइनली गाइस जो पूरा टेल का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग के मन में एक सवाल रहेगा कि क्या भाई टैंकर लगाने के बाद ये जो सीट कवर है वो लगता है कि नहीं, मतलब सीट प्रॉपरली फिट होता है कि नहीं। होता है, प्रॉपरली फिट होता है, उसमें मतलब कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि सीट को कटाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ईजिली फिट होगा, पूरा स्नग फिट है, एकदम प्रॉपरली दिखता है और पूरा देख लो लुक। और आपको पूछा पूरा एक बार वॉक अराउंड दिखा देता हूँ मैं पूरा टेल का। सो गाइस अपने जो है टैंक कवर और टेल पैनल पूरा इंस्टॉल कर चुके हैं। अगर आपको भी बाय करना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करो और अभी जो है बहुत स्पेशल कॉम्बो ऑफर चल रहा है तो जल्दी से जाके ग्रैब करो उसे। और साथ ही में गाइस अभी जो है जितना हो सके अनपेंटेड ही सामान लो, क्योंकि बॉडी कलर के साथ मैच नहीं हो रहा है अगर आप पेंटेड ले रहे हो तो हो सके तो उतना अनपेंटेड लो। और जो भी है पूरा एक बार लुक दिखा दिया मैं पूरी बाइक का आपको। तो गाइस ये था आज का शॉर्ट सा वीडियो टेल पैनल इंस्टॉलेशन के ऊपर और अनबॉक्सिंग के ऊपर। कैसा लगा टू कमेंट्स भी लो। अगर आपको भी जो है टेल पैनल और टैंक पैनल चाहिए तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ मुझे मैसेज करो। और करते इस वीडियो के जरिए एंड मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बताना क्या करना है, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। पीस आउट।